ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি মুম্বাইতে রেনু চৌধুরীর কাছে। রেনু, সুশান্ত কি ইস মৃত্যুকে বারে মে আবি তক ক্যা পাতা চল রহা হ্যায়? देखिए, इस समय मैं कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और यहां पर उनकी अंतिम संस्कार को लेकर जो प्रक्रिया शुरू थी वो कही जा रही है कि वो कल की जाएगी, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी देरी हो रही है और यही कारण है कि उनका अंतिम संस्कार करने का जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो भी कल की जाएगी और इस समय हम जानकारी कूपर अस्पताल से मिलकर सामने आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो उनके पिता हैं वो पटना में रह रहे हैं और यही कारण है कि वो यहाँ पर आने में जो है उन्हें कल तक वो 11 बजे यहाँ पहुंच जाएंगे और इसके लिए जो यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया उसमें देरी की जा रही है। हालांकि उनकी बहन यहाँ पर मौजूद थी, वो थोड़ी देर पहले अस्पताल से बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन ये जो जानकारी अब निकल के अस्पताल से सामने आ रही है। रेनु, बार बार डिप्रेशन के बाद सामने आ रहा है, इस बारे में पुलिस क्या कह रहा है? देखिए, डिप्रेशन ही सबसे प्रमुख कारण अब तक माना जा रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि जो पुलिस जानकारी दे रही है उसके मुताबिक जब उनके घर की छानबीन की गई है तो उसमें ये जानकारी साफ तौर पर निकल के सामने आई है और कुछ जो दस्तावेज उनके घर से बरामद किए गए हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि वो हाइपरटेंशन से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं वो ले रहे थे और ये डिप्रेशन की बात जो है मुंबई पुलिस ने अभी जाहिर की है और इसी को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। শুক্রিয়া রেনু, কথা বললাম মুম্বাই থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি।